इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो के अपडेट। हजरत अब्दुल्ला, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला का जिक्र हो रहा, गरीब सहाबी हैं। उन्होंने एक यहूदी से कर्ज ले रखा था और इस उम्मीद पे ले रखा था कि मुझे, मेरी खजूरों का बाग है और मेरा बाग है तो उसमें खजूरें आएगी तो मैं इस यहूदी को लौटा दूंगा। अब इत्तेफाक की बात के खजूर के पैदाइश के वादे पर, खजूर के उगने के वादे पर आपने कर्ज ले लिया और वो टाइम गुजर गया तो वो तंग कर रहा था हजरत जाबिर को। हजरत जाबिर हुजूर की बारगाह में आए। सहाबा जब भी परेशान होते थे तो हुजूर की बारगाह में आते। वो जानते थे कि अल्लाह ने हमें जो मुश्किल कुशा बना करके भेजा है ना, वो ये रसूल है, हमारी मुश्किल कुशाई के ईदे, मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की करामत पे लाखों सलाम। तो हज़रत जाबिर आए कि या रसूल अल्लाह, वो यहूदी बहुत तंग कर रहा है मुझे, मैं क्या करूं। आका फरमाते हैं चलो उस यहूदी से मैं चल के बात करता हूं। शान क्या है, शान क्या है, मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सारे अंबिया हाथ बांध के खड़े। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। बड़े बड़े आकाब ये इस आका के पीछे खड़े हैं, बल्कि सारी आकाइयां जिसके नाम पे तमाम हो जाती है वो आमिना का लाल है, सारी सरदारियां जिसके कदमों को बोसा देती है वो आमिना का लाल है। एक गरीब सहाबी की दिल जोई के लिए आका फरमाते हैं चलो उस यहूदी के पास में चलता हूं। हुजूर गए, यहूदी तो था यहूदी। आका फरमाते हैं कि ये इन्होंने जो वादा किया था, अब जाहिर सी बात है खजूर का उगना और उगाना तो इनके हाथ में न था, थोड़ी ताखीर से खजूर आई है और अभी इसके फल पके नहीं है तो थोड़ी मोहलत दे दो। उसने कहा ए अबुल कासिम, हुजूर की कुन्नियत है ये, ए अबुल कासिम मैं पहले इनको बहुत मोहलत दे चुका हूं, मैं इनको कोई मोहलत नहीं दूंगा, मैं इनको कोई मोहलत नहीं दे सकता। हुजूर तशरीफ लाए, बाग का मुआयना किया और बाग का मुआयना करने के बाद आकाए करीम फिर उस यहूदी के पास गए, दोबारा फिर गए, कहा कि मैं कह रहा हूं कि आप कोई मोहलत दे दे, अगर ये उस टाइम पर ना दे सके तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं दूंगा। सोचिए जरा, आकाए करीम एक गरीब सहाबी के लिए खुद से जाके बात करे, वो इनकार कर रहा है, वो इनकार कर रहा है और हुजूर अलैहि सलाम दोबारा फिर तशरीफ ले गए कि इनकी गर्दन छूट जाए इस मुसीबत से। आका यूं मुसीबतें भी दूर फरमाते थे, दुआओं से तो दूर होती थी, इशारों से भी दूर होती थी, हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम अता करके भी दूर कर देते थे, लेकिन हुजूर उसके लिए तदबीरें भी फरमाते थे। बड़ी माजरत के साथ हमारे पास कोई आता है ना हजरत मुसीबत में हो, हम उसको या तो वजीफा बताते हैं या तो तावीज देते हैं। वजीफा और तावीज के सिवा भी तो कोई तरीका है मुसीबतें दूर करने का, हमने उसको भी कभी इख्तियार किया? हुजूर से बढ़कर किसी की दुआ कितनी कबूल हो सकती है, वो तो जाने दुआ है ना। हुजूर दुआ कर देते जाबिर का काम हो जाता, लेकिन हजरत जाबिर के लिए दो दो बार यहूदी के पास जाकर हुजूर बता रहे हैं अगर कोई मुसीबत ज्यादा आए तो उसके लिए किसी के पास चलकर जाना भी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हम इन सुन्नतों पर कब अमल करेंगे मुसलमानों, हम कब इस हवाले से तैयार होंगे? लेकिन दो मरतबा उस यहूदी ने इनकार किया, लेकिन चूंकि अब वो इनकार कर चुका है, हुजूर अलैहि सलाम तीसरी मरतबा हजरत जाबिर के बाग में आए और आकर के ओटा था मिट्टी का कच्चा ओटा, हुजूर उस पर लेट गए, उन्हीं के बाग में लेट गए हजरत जाबिर के बाग में, कि इनकी जो है वो दिल जोई हो जाए कि हुजूर जा नहीं रहे मेरे बाग में। थोड़ी देर लेटे रहे, केलोला फरमाया, आराम किया, उसके बाद उठ करके खड़े हुए हजरत जाबिर के बाग में टहलने लगे। तो हजरत जाबिर अब क्या देखते हैं, जो खजूरें पक्की थी, हुजूर जितनी देर आराम करते हैं बाग में उतनी देर में सारी खजूरें पक गई। पहले तदबीर की वो सुन्नत बता दिया, लेकिन वो यहूदी ना माना, तब हुजूर ने मोजजा भी दिखा दिया, खजूरें पक गई। जब खजूर पक गई तो हुजूर अलैहि सलाम ने कहा जाबिर खजूरें तो पकी हुई है, जाबिर खजूरें तो पकी हुई है। फिर उसके बाद कहा जाबिर अब एक काम करो, हमें उस यहूदी को टाइम पर उसका कर्ज चुका देना है।
حضرت جابر نے کہا مگر یا رسول اللہ کھجوریں پک تو گئی ہے، جتنی میں نے اس سے لی تھی اتنی نہیں ہے۔ کہا جابر ٹھہرو، حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں توڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دین ہے، یہ اسوہ رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ ایک غریب کے قرض کی ادائیگی کے لیے کتنا ٹائم حضور عطا کر رہے ہیں، کتنا ٹائم صرف کر رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت اصلاح کی ضرورت ہے ہماری، ہم کس کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ آج ہر آدمی کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ واٹس ایپ کے لیے گھنٹوں ہے، فیس بک کے لیے بھی ہے، فلم کے لیے بھی ہے۔ ہوٹلوں کی کرسی پہ بیٹھ کر گھنٹوں توڑنے کے لیے کرسیاں، ہوٹل والا بھی کہتا ہے کب سے بیٹھا ایک چائے پی کر کے، یہ کب جائے گا؟ ہنسنے کی بات نہیں، قوم کا حال یہ ہے۔ پورے پورے اخبار چاٹ ڈالتے ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ ماں کو دوا خانے میں لے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور وہ اخبار چاٹ رہا ہے۔ ایسے چاٹتا ہے وزیر اعظم بھی اتنی اخبار نہیں پڑھتا ہوگا جتنی میری قوم کے لوگ پڑھتے ہیں، حالانکہ میں منع نہیں کرتا بالکل پڑھنا۔